योग माया मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचमुच अगर हमने भारत की ताकत को पहचानने का प्रयास किया होता, यह देश कभी गुलाम नहीं होता। इस देश ने देश में छुपे हुए उन जहरीले नाकों को पहचानने का प्रयास किया होता जो जाने अनजाने में भारत की धमनियों में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, करते रहे हैं, तो देश कभी पराधीन नहीं होता। यह देश पराधीन हुआ है इसलिए क्योंकि यहां छुपे हुए गद्दारों के कारण देश जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर निरंतर बढ़ता रहा और इस देश के अंदर निरंतर अलग अलग भूभागों में कोई जाति के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, उसी अन्य वाद के आधार पर देश को बांटता रहा। पहली बार देश के अंदर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5.5 वर्षों से एक ऐसी सरकार कार्य कर रही है जिस सरकार का एजेंडा स्पष्ट है, देश के प्रति जिसकी दृष्टि स्पष्ट है, दृष्टिकोण भी स्पष्ट है, विकास के लिए, सुशासन के लिए और राष्ट्रवाद के अपने मुद्दों के लिए जिस सरकार ने देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है और बन रही भारत की इस पहचान से आज दुनिया भारत के प्रति लालायित हुआ है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को एक नई पहचान मिली है। दुनिया भारत को आज सम्मान की दृष्टि देखने लग गया है। यह अचानक नहीं हुआ, इसके लिए मोदी जी को भारत के अंदर कार्य करना पड़ा। 5 वर्ष में मोदी जी ने 2 करोड़ परिवारों को आवास दिए हैं। दो करोड़ परिवार का मतलब जानते हैं आप? 200 लाख लोगों को। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। ऐसा नहीं कि विद्युत की लाइन थी और कनेक्शन दे दिए, 4 करोड़ लोगों को विद्युत की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का मतलब वहां तक विद्युत की लाइन पहुंचाई गई, तब वहां से कनेक्शन दिए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया गया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। 15 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया की योजना के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया। 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खुलवाए गए और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए हर वर्ष आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। कहीं मेट्रो की लाइन, कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं वाटरवे, कहीं एयर कनेक्टिविटी, इसको युद्ध स्तर पर बढ़ाया गया। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, इनकी स्थापना हुई। देश के अंदर हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का क्षेत्र नहीं देखा गया, किसी का भाषा नहीं देखी गई, किसी का मत नहीं देखा गया, किसी का मजहब नहीं देखा गया। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, इस अभियान के साथ मोदी जी ने कार्य किया।
जब भारत के अंदर खुशहाली लाने में मोदी जी सफल हुए तब दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। एक तरफ मोदी जी का यह कार्य देश के लिए और दूसरी तरफ 5 साल पहले दिल्ली के अंदर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी वोट देकर के उसकी सरकार बनवाई थी। अब श्रीमान केजरीवाल जी की ही पूरी कहानी को आपके सामने कहेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में गलती हुई। इन्होंने कहा था ना कि हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे स्कूल खोलेंगे, इन्होंने कहा था ना दिल्ली के लोगों को आरओ का पानी पिलाएंगे, इन्होंने कहा था दिल्ली की सड़कों को अच्छा बनाएंगे, लटकते हुए तारों को दुर्घटना के लिए नहीं बल्कि इनको अंडरग्राउंड कराएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। कुछ किया? 5 साला नहीं खुलवाई, मधुशाला खुलवा दी, हर मोहल्ले में शराब की एक नई दुकान खुल गई। आम आदमी पार्टी का व्यक्ति उसका एजेंट बन गया और वह मोहल्ले मोहल्ले शराब पिलाने लग गया। इन्होंने कहा था शुद्ध आरओ का पानी पिलाएंगे, यमुना जी को पहले से ज्यादा गंदा करके जहरीला पानी बना दिया, पिला दिया, और उस जहरीले पानी की सप्लाई जब हो रही है तो केजरीवाल जी तो खांसते ही थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आपको क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सच्चाई है ना? इन्होंने कहा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन भाइयों बहनों, डीडीसी की बस देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर मानी जाती थी, पहले से बेड़ा आधा हो गया। और केजरीवाल जी अगले 5 साल रहे तो डीडीसी की बस भी नहीं चलेगी दिल्ली के अंदर। और तय मानिए, अगर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता अब तक दिल्ली का मेट्रो भी खड़ा हो गया होता, वो व्यक्ति अच्छा कर ही नहीं सकता, कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, अच्छा सोच ही नहीं सकता। आपने देखा होगा एक भी अच्छे कार्य में केजरीवाल जी का समर्थन नहीं मिलता है। उनका समर्थन कब मिलता है? जब किसी विधानसभा क्षेत्र में जेएनयू है ना, ये भारत के पैसे से चलता है ना, चलता है ना, वहां नारे क्या लगते हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, ये होता है ना। अफजल कौन था? ये देश के लोकतंत्र पर हमला करने वाला, देश की संसद पर हमला करने वाला व्यक्ति देश का मुख्य गुनाहगार है अफजल। अफजल के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं, अफजल को फांसी देने पर शर्मिंदा हो रहे हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? भाइयों बहनों, इन लोगों की सहानुभूति किसके साथ है? दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने ये नारे दिए थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, देश की न्यायपालिका के द्वारा फांसी की सजा सुनाए गए एक दरिंदे के बारे में उमर खालिद और कन्हैया लाल के समर्थन में अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति, जामिया मिलिया की आगजनी आपने देखी होगी ना, ये जामिया मिलिया की सहानुभूति लगन रखने वाले लोगों के प्रति, जामिया मिलिया की आगजनी के लिए सहानुभूति भी अरविंद केजरीवाल रखते हैं। और यही नहीं, जब दिल्ली इस सरकार के इन कृत्यों को देख करके पूरा देश मोचक था, सचमुच पिछली बार विधानसभा चुनाव में गलती हुई होगी, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने लोकसभा चुनाव में गलती को परिमार्जन किया और 7 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी को दी, मोदी जी को।
मोदी जी ने पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण नारा नहीं होना चाहिए, वास्तविकता बननी चाहिए। और इसके लिए मोदी जी ने तीन तलाक की कुप्रथा को रोका ना, यानी तीन तलाक की कुप्रथा को रोकने का मतलब क्यों कांग्रेस केजरीवाल ये सभी लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है तीन तलाक की कुप्रथा को रोकने का मतलब फतवों की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त। देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा। उन्हें यही परेशानी है। कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, परेशानी तीन लोगों को हुई, भारत के अंदर राहुल गांधी और श्रीमान केजरीवाल जी को और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को। जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और ये लोग विरोध कर रहे थे तो मैं ये बात उस समय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इमरान खान के साथ केजरीवाल जी का राहुल गांधी का संबंध क्या है। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ, तीन दिन पहले मैं दिल्ली आ रहा था तो मैंने अचानक अपना फोन देखा तो उसमें मैं देख रहा था कि मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान का एक मंत्री दिल्ली के अंदर केजरीवाल के समर्थन में फतवा जारी कर रहा है पाकिस्तान से। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कार्य से पाकिस्तान खुश हो क्या भारतवासियों को वह कार्य करना चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान भारत की समृद्धि और खुशहाली से प्रसन्न होगा क्या? क्या पाकिस्तान भारत का हितेशी है क्या? तो फिर पाकिस्तान का मंत्री जो ये गुल खिला रहा है नए तरीके से, ये क्यों करा रहा है? क्योंकि उसे मालूम है जब केजरीवाल होंगे तो ही साइंदबाग होगा। श्रीमान केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर जनता के लिए पानी की चिंता नहीं, सड़क की चिंता नहीं, लटकते हुए झूलते हुए तारों की चिंता नहीं, अच्छी पाठशाला की चिंता नहीं, अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की चिंता नहीं, शुद्ध पेयजल की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है कश्मीर की धारा 370 की, उन्हें चिंता है शाहीन बाग के धरने में बैठे हुए लोगों को बिरयानी खिलाने की। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आया हूं, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि 5 वर्ष में आपने यमुना जी की शुद्धि के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में गंगा जी 1025 किलोमीटर का दायरा तय करती है, यह सच है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में हमारी सरकार आई, उससे पहले गंगा जी का जल स्नान करने लायक नहीं था, आचमन की बात तो दूर। प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से नमामि गंगे मिशन का भरपूर उपयोग हम लोगों ने किया और पिछले वर्ष प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, पूरे देश और दुनिया ने कुंभ के आयोजन की सराहना की, 25 करोड़ श्रद्धालु कुंभ के आयोजन में आए। मैं स्वयं 2 बार गंगा में स्नान करने के लिए गया, आज प्रयागराज में भी और कानपुर में भी गंगा में स्नान भी कर सकते हैं, गंगा जल का आचमन भी कर सकते हैं। मैं भी बसंत पंचमी को गया था और भाइयों बहनों, मैं गंगा में आचमन भी किया, स्नान भी किया। मैं केजरीवाल जी से कहूंगा, आप भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आप भी यमुना जी में स्नान करिए, थोड़ा आचमन भी कर लीजिए, एक खांसी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आखिर दिल्ली के लोगों को अपने आप को बोतल बंद पानी पिएंगे घर के अंदर चुपचाप, आप देखते होंगे ना, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां धरने में बैठे थे, रेल भवन के सामने धरने पर जब बैठे थे तो चुपचाप बोतल पानी पीते थे और दिल्ली वासियों को
यमुना का जहरीला पानी पिला पिला करके बीमार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सत्य टिप्पणी करनी पड़ी थी। भाइयों बहनों, इन लोगों की मनसा साफ नहीं है, देश के लिए भी नहीं, दिल्ली के लिए भी नहीं। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए, यह राष्ट्रीय राजधानी है, बहुत पीड़ा होती है यहां की सड़कों को देख करके, यहां की दुर्व्यवस्था को देख करके। वो चाहते नहीं, कह रहे डीडीसी में फ्री करते हैं, जब बस ही नहीं रहेगी तो फ्री करेगा कहां से। कह रहे पानी फ्री में पिलाएंगे, अरे जब पानी नहीं रहेगा तो पिलाएंगे फ्री कहां से। दिल्ली के अंदर टैंकर से पानी जाए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली स्थिति कहां हो सकती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने कहा हर घर नल पहुंचाएंगे, 1731 कॉलोनियों को उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करके उन्होंने कहा हम आवास देंगे, हम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन लीगल वे से देंगे। और लीगल वे के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों आपके पास आई है, इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। गलती का परिमार्जन करने का एक अवसर, एक गलती अपने लिए आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं होने देंगे। और केजरीवाल के नाम पर जिस प्रकार का, यानी इतना गैर जिम्मेदार, गैर भरोसेमंद व्यक्ति, अभी कुछ बोलेगा बाद में कहेगा कि ये मैंने नहीं कहा, एक दिन आरोप लगाएगा, अगले दिन कोर्ट में जाके माफी मांगेगा, एक दिन आरोप लगा के कहेगा कि मेरे पास सबूत हैं, और जब बोला जाता सबूत दिखाओ, कहते हैं तो राजनीति में चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, मेहरूनी और देश विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है, इस विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समान भाव के साथ बढ़े, एक विश्वास और एक विचारधारा के साथ आगे बढ़े, इसके लिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में आई है आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना करके दिखाइए, और फिर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के दिल्ली को दिल्ली का गौरव दिलाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए श्रीमती किरण कुसुम खत्री जी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतनी भारी संख्या आपकी है, आप में से हर मतदाता 10-10 नए मतदाताओं को जोड़ने का संकल्प ले ले, तो भाइयों बहनों कुसुम जी के सामने जितने भी प्रत्याशी हैं, इन सब की होगी जमानत जब्त। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी के इस विजयी अभियान का हम सब हिस्सा बने, इस दिशा आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। कि आप सहमत हैं? आप सभी, तो मैंने कहा आप मुझसे सहमत हैं, विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, राष्ट्रवाद चाहते हैं, दोनों हाथ पकड़ के बोलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों सभी सहमत हैं, सभी मेरी बातों से सहमत हैं, दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय, जय जय श्री राम।